वगैरह वगैरह वीडियो बनाया था। हाँ बनाया, इन लोगों ने बनाया वो दिलवा देना, बाकी ये बना दो। जेल में कैंप लगा है, जेल में समस्या होती है कि जेल के जो कैदी होते हैं बाहर नहीं जा सकते और अच्छी स्वास्थ्य उनको सेवाएं नहीं मिल पाती है, तो हम लोगों ने खुद कोशिश की है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से हृदय रोग, नाक कान गला हड्डी रोग और चितपत्रा रोग, स्त्री विशेषज्ञ सबको बुलाया है यहाँ पर, और सभी के लिए हम लोगों ने दवाई वितरित की है और सभी को अपनी स्वास्थ्य की सेवाएँ प्रदान करने की कोशिश की है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज़ एक तो सर्दी का मौसम है तो खांसी जुखाम बुखार के मरीज़ यहाँ पर ज़्यादा हैं, और दूसरा कुछ समस्या उन लोगों को बुखार की भी है। आज जो है जेल में आपने कैंप लगवाया, तो कैंप का क्या महत्व, किस कारण आपने कैंप लगवाया? आज जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जय सिंह बाबू सिंह मेडिकल कॉलेज के सहयोग से सभी बीमार बंदियों के चेकअप के लिए, दवा वितरण के लिए जिला कारागार में कैंप लगाया गया है। इसलिए कि चूंकि इस समय खांसी जुखाम की अन्य दवाओं की दिक्कत हो रही थी और हमारे बंदी चूंकि बाहर जिला अस्पताल नहीं जा पाते, उसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं भेजने में, इसलिए बंदियों को जेल के अंदर ही सारी मेडिकल सुविधा मिल जाए इसके लिए ये कैंप का आयोजन किया गया। इसमें कितने बंदियों के चेकअप किए गए? 350 बंदियों का करीब चेकअप हो चुका है, और जो हम लोगों ने मतलब सूची बनाई है उसके हिसाब से 500 बंदियों का करीब दवा वितरण वगैरह हो जाएगा। अभी चल रहा है कैंप, और इसके लिए मैं बाबू सिंह जय सिंह मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर श्री डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरी टीम को लगा करके बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण का ये बहुत अच्छा इंतजाम कराया है। बंदियों को सारा इलाज मिल रहा है, दवा वितरण भी डॉक्टर साहब की तरफ से हो रही है। जेल में किस प्रकार के कैंप लगाए गए हैं, कौन कौन से कैंप लगे हैं? अभी तो हम लोगों ने पहला, मेरा अभी मैंने एक महीने पहले ज्वाइन किया, तो ये पहला मेडिकल कैंप है। इसके अलावा महिलाओं के लिए सप्ताह में एक दिन अस्पताल से महिला डॉक्टर आती हैं, वो परीक्षण करती हैं, उनके अनुसार जो दवा होती है हम लोग उनको उपलब्ध करा देते हैं। आज जिला जेल में हमारे अधीक्षक मुकुंद साहब ने बहुत अच्छा आयोजन किया है, और बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण, उनके लिए उपचार, दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है,
करीब 350 बंदियों का परीक्षण हुआ है अभी, और ये प्रक्रिया निरंतर सतत चल रही है और आशा है शाम तक सभी जिन बंदियों को आवश्यकता है चेकअप की उनका सबका चेकअप हो जाएगा। और बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है और सभी बंदियों का उपचार बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। मरीजों की जांच जो भी जो मेडिकल टीम आई है उनकी जो भी आवश्यकता बताएंगे कि इस जांच की आवश्यकता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या अन्य संस्थानों से कोऑर्डिनेट करके उसकी जांच कराएंगे।